नमस्कार। कक्षा 12 की सिलेबस में डे 193 में और अपना चैप्टर चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगें। इसके अंतिम भाग में आ गए हम, लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए। लगभग सारे टॉपिक हमने कर लिए, स्टेप बाय स्टेप पूरे। अब एक बात रह गई इसके अंदर, वो है द्रव्य तरंग की तरंग प्रकृति। द्रव्य का मतलब है मैटर, कोई पदार्थ, कोई कण। द्रव्य का मतलब द्रव नहीं है, द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ हो सकते हैं उसके लिए है, कोई भी कण है उसकी बात की जा रही है यहाँ, उसकी तरंग प्रकृति। उसके लिए डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था, डी ब्रोगली, इसलिए इसको डी ब्रोगली अवधारणा या ये भी कह देते हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए। तो डी ब्रोगली परिकल्पना है क्या, पहले हम वो बात करेंगे, ठीक है। और तरंग प्रकृति क्या, डी ब्रोगली ने यह बताया था कि कोई भी कण जब गति करता है तो उस कण के साथ साथ तरंग भी संबद्ध रहती है। जैसे कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जब ये गति कर रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या रहती है, तरंग भी साथ चलती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है तरंग भी आगे बढ़ती रहती है, पीछे से वो वापिस स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होती रहती है। तो सबसे ज्यादा तरंग का आयाम क्या होता है, ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। ये सबसे ज्यादा कण के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होती है कि तरंग तो यहाँ से यहाँ तक है, कण तो एक ही जगह है, तो कण कहाँ है, कण वहां होगा जहाँ तरंग का आयाम सबसे ज्यादा होगा। तरंग का आयाम अधिकतम विस्थापन जहाँ होगा वहां पर ही कण के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी, ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं डी ब्रोगली की अवधारणा। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि कोई भी कण जब गति करता है तो उसके साथ तरंग भी साथ चलती है, ठीक है। किसी जैसा कह लिख सकते हैं एक ही लाइन में सीधा आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किसी गतिशील कण से के साथ तरंग संबद्ध रहती है, एसोसिएट रहती है, एसोसिएट। इसे डी ब्रोगली तरंग कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग, या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं द्रव्य तरंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि द्रव्य तरंग क्या है, तो डी ब्रोगली के नाम पर ही इसने द्रव्य तरंग वर्ड यूज किया जाता है। द्रव्य तरंग अलग से कुछ नहीं है, कोई भी कण जब गति करता है तो गतिशील कण के साथ साथ तरंग भी संबद्ध रहती है, तरंग भी साथ चलती है उसके, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्य तरंग कहते हैं। अब तरंग के लिए इस तरंग की तरंग धैर्य, तरंग की तरंग धैर्य चाहे तो आप दोबारा सोल्व कर लें इस बात को, वरना पिछली क्लास में ही हमने सोल्व किए हैं क्या कि लैम्डा का जो मान है वो एच अपॉन पी के बराबर होता है। चाहे तो आप इसे दोबारा सोल्व कर ले, वरना 192 देख ले, उसमें हमने डिटेल से सिंपलीफाई कर रखा है कि लैम्डा का जो मान है वो एच अपॉन पी के बराबर होता है। संवेग निकाला था, वहां संवेग आता है पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, एच अपॉन पी। सीधी सी तरीका है कि ऊर्जा का जो मान है वो क्या होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, और E बराबर वेव रूप में क्या होता है, h न्यू। तो कण के रूप में भी प्रकाश जो होता है वो कण के रूप में भी बिहेव करता है, तरंग के रूप में भी। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करती है, और ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करती है। जैसे विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, ऑप्टिक्स में जो हमने पढ़े हैं वो सारे प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं। तरंग यहाँ हम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये पूछा जा चुका है। कण प्रकृति का सत्यापन किसके द्वारा होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा होता है। उसमें कहते हैं फोटोन के रूप में आता है, फोटोन के कण के रूप में मानते हैं, उस कण की ऊर्जा पूरी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो वो घटना किसमें आती है, वो प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करती है। उसके अलावा एक क्वांटम प्रभाव होता है, क्वांटम प्रभाव एक्स किरण पर किरण होता है, वो सारी दो तीन घटनाएं हैं जो किसके बारे में व्याख्या करती हैं, प्रकाश की कण प्रकृति की। तो वो भी आप लिख लें बाद में अलग से कि तरंग प्रकृति की व्याख्या कौन करता है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारे प्रकाशिक जो घटनाएं हैं वो तरंग प्रकृति बताती है कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। कण की तरह कौन व्यवहार करता है, इस चैप्टर में एक तो प्रयोग हमने पढ़ रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव पूरे में, तो वो किसकी व्याख्या करता है, प्रकाश की कण प्रकृति की। उसके अलावा क्वांटम प्रभाव है, क्वांटम प्रभाव वो भी प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट में लिख लेंगे उस बात को। तो यहाँ से देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं, कण की बात कर रहे हैं यहाँ, कण की,
फोटोन की बात नहीं कर रहे, कण की बात कर रहे हैं। तो कण का वेग कुछ ना कुछ होगा, निश्चित वेग होगा, इसलिए वी लिख रहे हैं, सी नहीं लिख रहे इसे। वी राम ने क्या लिखा था, एम सी को लिखा था पी, लेकिन यहाँ सी की जगह क्या, प्रकाश का वेग नहीं है, कण का वेग है, इसलिए वी यूज कर रहे हैं, एच इज अपॉन एम वी। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है, यहाँ से इस भाग से आता है क्वेश्चन इसके अंदर से, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों आप ध्यान रख लें तो क्वेश्चन जो भी आएंगे वो हो जाएंगे। लैम्डा का जो मान है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा का मान द्रव्यमान के, लैम्डा क्या है, जो तरंग इसके साथ है उसकी तरंग लंबाई है, तरंग लंबाई, अधिकतम तरंग लंबाई की तरंग इसके साथ है या कम तरंग लंबाई की तरंग इसके साथ है वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब जो कण द्रव्यमान ज्यादा होगा जिसका, उसके साथ जो तरंग होगी छोटी होगी, छोटी का मतलब उसकी तरंग लंबाई कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती, जिसके लिए द्रव्यमान कम होगा, जिसके लिए द्रव्यमान कम होगा उसके लिए जो तरंग है इसके साथ उसकी तरंग लंबाई ज्यादा होगी। क्लियर, एक बात तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको चाहे तो थ्योरी में पूरा लिख सकते हैं कि तरंग की तरंग दे रहे कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे लिख सकते हो। लैम्डा का मान पूरा लिखो तो कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन की बात करें कैसे होता है, दूसरी बात वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी कण की चाल ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, उसका वेग ज्यादा है तो उसके साथ जो तरंग होगी वो छोटी होगी। कोई कण अगर धीमी गति से चल रहा है, उसकी स्पीड कम है, तो उसके साथ जो तरंग है वो बड़ी होगी, उसकी तरंग लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, तरंग धैर्य का मान गतिशील कण से, तरंग कौन सी है ध्यान रखना, द्रव्य तरंग है, गतिशील कण ये हम लिख नहीं रहे, लेकिन जब भी आपको लिखना है तो ये पूरा वर्ण लिखना है, गतिशील कण से संबद्ध तरंग धैर्य का मान वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गतिशील कण से संबद्ध तरंग धैर्य का मान कण के वेग के, अब डायरेक्ट देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इसके अंदर से कि आपको पूछ लिया जाए कैसे निर्भर करता है इसका मान, तो ध्यान रखना है दोनों व्युत्क्रमानुपाती दिख रहे हैं। अब यूं कहते भाई एम तो कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट कब होता है, जब किसी एक कण की बात की जाती है, जब दो या तीन कणों की तुलना की जाती है तो एम कांस्टेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना की जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग है, तो वहां क्या होगा, उसी स्थिति में द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन बता दो मैं, क्वेश्चन इसमें एक इलेक्ट्रॉन अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन समान वेग से गतिशील है, तो सबसे अधिक तरंग लंबाई की तरंग किस कण से संबद्ध होगी, इसको ऐसे भी पूछ लिया जा सकते हैं कि तरंग, इनकी तरंग लंबाई को घटते क्रम में लिखो या इनकी तरंग लंबाई को बढ़ते क्रम में लिखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब देखो अपने को क्या पता करना है, अपने को दे दिया इलेक्ट्रॉन अल्फा कण और प्रोटॉन किस प्रकार से एक समान वेग से गतिशील है, तो अपने को पता होना चाहिए कि लैम्डा का जो मान है वो दो बातों पर, एच तो कॉन्स्टेंट है, संख्या ये तो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एम पे और, तो एक को तो कांस्टेंट कर देगा क्वेश्चन और एक बचेगा उसकी हमें तुलना करनी है, तो यहां भी तो क्या हो गया निश्चित हो गया ना, तो ये दोनों संख्या को एच तो होता ही है कांस्टेंट, वी को क्वेश्चन ने कर दिया, क्या कह दिया एक समान वेग से, यानी सबकी स्पीड एक बराबर है, इसका मतलब इस पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि सबका मान एक समान है, तो किस पे करेगा, तो किस पे करेगा, एम पे करेगा,
अब क्या है एम के व्युत्क्रमान बात है, अब क्या पूछा है सबसे अधिक तरंग लंबाई, सबसे ज्यादा तरंग लंबाई किसकी होगी जिसका द्रव्यमान सबसे कम, क्योंकि व्युत्क्रमान बात है ना उल्टा रिलेशन है, ये मान कम होगा तो ये ज्यादा आएगा, हमें बताना ज्यादा किसके है, तो जिसका एम कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। अब एम कम किसका है ये अपने को पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ तो फिर अपने क्या करेंगे, तो यहाँ अपने को ये पता होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है और अल्फा का कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻²¹ किलोग्राम, ज्यादा कौन सा है प्रोटॉन का, माइनस में संख्या ये ज्यादा है ना वो मान कम होता है, तो यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, और अल्फा का क्या होता है, अल्फा होता है 2He4, तो इसके अंदर कितने हैं चार है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, इसीलिए प्रोटॉन का कितना गुणा होता है चार गुणा होता है, ये कह सकते हैं प्रोटॉन का चार गुणा होता है इसका मान, प्रोटॉन का चार गुणा, तो देखो सबसे हल्का कौन सा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे कम होता है, इसका ऑर्डर लिखिए तो इससे ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन और इससे ज्यादा होता है मास ऑफ अल्फा का। अब आप बता दो कि किसका किसके साथ तरंग दैर्ध्य बड़ी होगी, तरंग दैर्ध्य तरंग लंबाई किसकी ज्यादा होगी जिसका द्रव्यमान सबसे कम है, किसका है इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी, इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य, ठीक है इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। अगर आपको कहते घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखो तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रॉन की, उससे कम किसकी होगी, इससे कम लैम्डा प्रोटॉन की, सबसे कम किसकी होगी जो सबसे भारी है और सबसे भारी कौन सा है अल्फा कण, तो लैम्डा अल्फा। अब बढ़ते घटते क्रम में पूछ लें तो ये भी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी बता सकते हैं, ठीक है इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। अब आपको दूसरा तरीका ये भी दे दिया जाए कि दो कण है जिनके द्रव्यमान तो समान है, द्रव्यमान समान है, ठीक है यानी दो प्रोटॉन है दोनों प्रोटॉन है, या दो अल्फा कण है दोनों अल्फा कण है, तो दोनों का द्रव्यमान तो समान हो गया, लेकिन एक की स्पीड कहते 10 m/s है, एक की कहते 15 m/s है, तो किससे तरंग की लंबाई जो है वो ज्यादा होगी, तो हमें m तो कांस्टेंट कर दिया, फिर v के व्युत्क्रमान बात दिए, फिर स्पीड देख लो, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके साथ तरंग छोटी है, जिसकी स्पीड कम है उसके साथ तरंग ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, बाकी आप बुक में इसे भी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं उनको सोल्व करके देख ले हो जाएंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।